इंदौर शहर में एक बार फिर गुंडे बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा, जिसके चलते बदमाश न सिर्फ आम जनता बल्कि अब पुलिस और पत्रकारों को भी अपना निशाना बना रहे। गुरुवार रात ऐसी सनसनीखेज दो घटनाएं सामने आई, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया तो वही अपने खिलाफ खबर छापने से नाराज गैंगस्टर सतीश भाव की गुर्गू के द्वारा खुलास्टा फर्स्ट के प्रधान संपादक के साथ मारपीट की, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार इंदौर में बीती रात हेमंत यादव के बेटे की सगाई का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खुलासा फर्स्ट अखबार के प्रधान संपादक अंकुर जायसवाल एसआर ग्रीन मैरिज गार्डन पहुंचे थे। अंकुर जायसवाल के साथ उनके छोटे भाई और मित्रों के साथ दो निजी सुरक्षा गार्ड भी थे। इसी कार्यक्रम में गैंगस्टर सतीश भाव भी अपने साथियों के साथ पहुंचा था। जब अंकुर जायसवाल गार्डन में दाखिल हो रहे थे, तभी गैंगस्टर बाहर की ओर आ रहे थे। अंकुर जायसवाल को देखकर गैंगस्टर रुक गए। दोनों पक्षों में खबरें छापने को लेकर कहा सुनी हो गई। इस पर अंकुर ने कहा कि मेरा काम है। इसी बात को लेकर गैंगस्टर ने अंकुर के साथ मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे अंकुर जायसवाल ने गार्डन के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया। कल रात में हमला हुआ है, किस तरह से हमला हुआ? मेरे के मित्र की बेटी का जन्मदिन और मित्र कि बेटे की सगाई का प्रोग्राम था एचआर ग्रीन मैरिज गार्डन पे। वहाँ मैं रात को 11:30 बजे अपने छोटे भाई और मित्रों के साथ गया था, और जैसे ही मैं कार से उतरा तभी बाहर गैंगस्टर सतीश भाऊ, गब्बर चिकना और उसके साथ में अमित जादौन, कमल जादौन, शिबू जादौन और 10-12 लोग थे। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि तू बहुत खबर छापता है अपने खुलासा फर्स्ट अखबार में। तो मैंने कहा कि कोई आपका घटनाक्रम होता है और कोई एफ आई आर होती तो रिपोर्टर खबर देता तो छापना पड़ती है, आपसे मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। मैं इसी बात पर वो बौखला गया और उसने मेरे साथ मारपीट सभी ने चालू कर दी, लाठोसों से पिस्तल चाकू भी निकाल लिए। मैं गिरा और वापस जैसे तैसे उठा और बचने के लिए अंदर मुझे लोगों ने बचाया और मैं अंदर गार्डन के अंदर भगा और मेरी जान बची। इसके बाद सतीश भाऊ बोलता गया कि आगे अगर खबर छापेगा तो मुझे जान से खत्म कर देंगे। प्रधान संपादक के साथ हुई मारपीट की घटना पर बाणगंगा पुलिस ने गैंगस्टर सतीश भाऊ, गब्बर चिकना, बबलू जादून, अमित जादून सहित अन्य पर 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस पे भी हमला हुआ है, पत्रकार पे भी हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहीं ना कहीं कुछ दोनों ही मामलों में हमारी बड़ी गंभीरता से जांच चल रही है। जो पुलिस पे हमला हुआ उसमें अपराधी हम उसके पास हैं और और जो पत्रकार महोदय से आप हमले की बात कर रहे हैं उसमें हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। उसमें धाराएं जो उच्चतर धाराएं उनमें कार्रवाई की गई है और शीघ्र उसमें भी कार्रवाई की गई है। बदमाशों में खौफ फैलाने के लिए, बदमाशों में डर बैठाने के लिए शॉर्ट इनकाउंटर की जरूरत है, वापस से लगता नहीं? हम तो कानूनी कार्रवाई हमेशा करते हैं और कानूनी कार्रवाई जो कानून की परिधि में रह के है वो अधिक से अधिक हम करते हैं। सर, जो एक बड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, लगातार हमारी कार्रवाई जारी है और हम कर ही रहे हैं। आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं सर, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हमारी जारी भी है। तो सतीश भाव को पकड़ने के लिए क्या टीमें रवाना हुई? बिल्कुल, हमारी देखिए मैंने कहा कि जिस भी घटना में कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी उसमें हम पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, इंदौर शहर के जो कुख्यात बड़े गुंडे हैं, युवराज उत्ता, सतीश भाव और भी कई गुंडे हैं, सभी मैं किसी को एक को नहीं नामांकित करना चाहता, जितने भी अपराधी तत्व हैं सभी के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है और हम जारी भी। खुलासा फर्स्ट के प्रधान संपादक अंकुर जायसवाल पर हुए जानलेवा हमले की घटना को लेकर इंदौर के पत्रकारों में खासा आक्रोश है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट।